बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे टॉपिक समझ में आ गया, मैंने वो टॉपिक आपसे पढ़ लिया, किसी और यूट्यूब के चैनल पे पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, पर जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ तो उस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते, या मैं कोई अच्छी किताब उठाता हूँ तो उस टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, ये क्या चीज़ है? देखो तो डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में और किसी चीज को फील करने में, बहुत बड़ा डिफरेंस। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बस उसकी नॉलेज चाहिए होती है, समझो बात को, सिर्फ नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन। जैसे आज मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक नॉलेज है, ये आपने ले ली, पर एग्जाम में अच्छे सवाल आपसे बन जाए, हर किताब के बढ़िया बढ़िया सवाल आपसे सॉल्व हो, वो तब होगा जब आपके अंदर फील होगा टॉपिक का, टॉपिक मुट्ठी में होगा, फील होगा, क्वेश्चन देखे हुए होंगे। कैसे होगा फील? फील बच्चों आता है एक्सपीरियंस से, फील आता है एक्सपीरियंस से। आप मेरे पास आओ, बोलो सर मुझे कार चलाना सिखा दो, मैं बोलूंगा ठीक है, कार में ऐसे ऐसे गियर लगता है, ऐसे ऐसे क्लच एक्सेलरेटर ऐसे दबाना है, सारी थ्योरीज आपको दे दूं, क्या कार चल पाएगी? क्या आपसे बढ़िया कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास नॉलेज है, पर आपके पास कार चलाने का फील नहीं है। सो टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू जस्ट नीड नॉलेज, बट टू फील समथिंग यू नीड एक्सपीरियंस। तो लड़ो, झगड़ो, मरो, जान लगाओ, हमला करो, और एक्सपीरियंस गेन करो जिससे क्वेश्चन सॉल्व। इस गलत फहमी में मत रहो कि मैंने इस टीचर का लेक्चर पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं भी देख लिया तो मेरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो मेहनत करो।